भाई साहब, हरिया रोडवेज के एक और जबरदस्त ताज़ा तरीन और नेक्स्ट लेवल के धारावाहिक में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका अपना हरिया, और भाई आज नाश्ता आपको दिखाऊंगा एक नंबर का जबरदस्त वाला, मुंह में पानी आ जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ मेरे साथ। आज तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल के भी ऊपर होने वाला है। भाजी नमस्कार। नमस्कार सर, क्या हाल चाल है भाजी? भाजी थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताओ भाजी, मैंने सुना है लुधियाना का फेवरेट नाश्ता यहीं पे मिलता है। क्या बात है! और पाजी यहाँ पे होता क्या क्या है? सर यहाँ पे हमारे पास चने भटूरे होते हैं, नान दाल होते हैं। पाजी जो नान है वो बहुत कम, मतलब एक दिन है ना जो नान नहीं मिलते, कुछ ऐसा सीन है ना? मंडे टू सैटरडे नान मिलते हैं सर, चूर चूर नान, दाल मखनी और चने के साथ। अच्छा, संडे को नहीं मिलते, संडे सिर्फ भटूरे। संडे सिर्फ भटूरे, क्योंकि भाई साहब पूरा लुधियाना और लुधियाना के बाहर वाले लोग भी भटूरे खाना पसंद करते हैं। तो पाजी आपका सीक्रेट क्या है यहाँ पे, इतनी जो मतलब लोग इतना प्यार करते हैं? सीक्रेट कुछ नहीं सर, सर प्यार हमारा जी। बाकी मसाले हैं वो जो मार्केट में मिलते हैं नॉर्मल मसाले, वही है, पर बनाने का अपना अपना तरीका होता है सबका। अच्छा, जो अकेला नमक भी डालते हैं वो भी वजन करके डालते हैं। नमक भी वजन करके? हाँ जी, हाथ से कुछ नहीं डालते, जो भी चीज डालनी सिर्फ वजन करके डालनी। क्या बात है भाजी, तो एक बार दिखाओगे? हाँ जी सर। तो पहले तो भाई साहब आपको सेटअप दिखाते हैं यहाँ पे, एक एक करके भाजी चीजें दिखा दो। ये सर फ्रोजन अनियन हो गया जी। ये फ्रोजन प्याज है? हाँ जी सर। भाई साहब ये प्याज जो है ये बर्फ में रखे जाते हैं, एकदम चिल्ड करके सर्व किए जाते हैं ताकि मजा आए, क्रंच आए। ये ग्रीन चटनी होगी सर। ये आ गई जी ग्रीन चटनी, ये भी एकदम कमाल की लग रही है सर। ये सीजनल अचार होता है, कभी आंवला होता है, कभी गाजर होती है। ये है भाई साहब आंवला का अचार, सीजनल अचार होता है, कभी आंवला, कभी गाजर, और कभी अंबिका हो जाता है। अच्छा अंबिका भी होता है भाजी साथ में? हरी मिर्ची सर। ये जी हरी मिर्च, वाह 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 क्या बात है। और भाजी ये क्या चीज़ है? अचारी आलू हो गए सर। इसके साथ ही अचारी आलू भी है भाई, ओहो हो हो। भाजी इसमें क्या मसाले रहते हैं? सर इसमें नॉर्मल वही धनिया वगैरह डलता है जी, अमचूर हो गया, जैसे काली मिर्च होगी, जो मसाले चने में वही मसाले उसकी ग्रेवी से तैयार होते हैं। अच्छा, तो मतलब जो मसाले चने में तरी वाले, हाँ वही मसाले सूखे सूखे आलू वाले। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया, तो भाजी चने भी दिखाओ मेन। तो भाजी इसमें क्या है? ये दाल। एक बार ये भी दिखा दो भाजी, ये है जी माँ की दाल है भाजी। ओ भाई एक बार भाजी दोबारा, थोड़ा धीरे से भाजी, कैमरा फोकस ही नहीं करता। ओह हो, वाह 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 क्या बात है यार, एकदम कमाल की दाल है। ये है जी छोले। अब छोले भटूरे का जो मेन एलिमेंट है, जिसकी वजह से जान आती है, वो तो है जी ये कमाल की बातचीत। ये देखो भाजी थोड़े से गिरा के दिखाना इस तरफ, हल्के से आराम से भाजी। ओहो एक बार और। ओ वाह 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 क्या बात है। और भाजी इसको छीटा देते हो? वो भी देखे दिखाओ भाजी एक बार हल्का सा। भाई साहब ये जो छोले है ना, एकदम चटाकेदार, जायकेदार और फराटेदार होते हैं, इतने कमाल के छोले हैं, इनके खटास बड़ी प्यारी होती है। और इसके अलावा अभी आपको दिखाते हैं कि भैया अभी तड़का मारेगा इसको। अच्छा अभी तड़का मारने वाले हैं, अभी आपको दिखाते हैं भैया तड़का कैसे मारते हैं। थोड़ा घबराहट वाला माहौल है, और ओ क्या बात है क्या बात है, एकदम जबरदस्त यार, वाह। तो ये आ गए जी छीटे वाले तड़के वाले छोले और भटूरे, बाद में भटूरों पे आते हैं। भाजी एक प्लेट लगा के दिखाना। तो अभी आपको दिखाते हैं प्लेट कैसे लगाते हैं, सबसे पहले तो दिखाओ भाजी। ये प्याज हो गए सर जी, ये हरी चटनी जी, प्याज के साथ ये हरी चटनी। ये सर मिर्ची का अचार हो गया जी। अच्छा जी, ये आमले हो गए सर, मिर्ची का अचार, आमले का अचार। ये सर चने आ गए हमारे। ये आ गए जी छोले, और भाई साहब छोलों में रंग चेक करो। और ये अचारी आलू आ गए। ये आ गए जी साथ में अचारी आलू। अब भटूरों पे चले? हाँ जी सर आ गए। भटूरों पे मामला सेट करते हैं, आइए एक बार भटूरों पे आके आपको दिखाते हैं। भैया पहले तो पेड़े दिखाओ। भाजी ये बताओ भटूरों में क्या होता है, पेड़ों में क्या खास है? पनीर होता है, धनिया होता है, अजवाइन होती है। पनीर, धनिया और अजवाइन। और पाजी इसको खमीर करते हो आप? हाँ जी सर। तो पाजी मतलब एक आपके जो पिताजी वो कहते हैं ना कि ये स्पंज जैसा लगता है, वो बताइए थोड़ा। सॉफ्ट ब्रेड कहते हैं। अच्छा तो ये मतलब इसमें जाली बन जाती है, क्या होता है? अच्छा ये आप खाएंगे सॉफ्ट, आप मतलब थोड़ी देर बाद खा ले, 2-3 घंटे बाद तब भी आराम से खाया जाएगा। अच्छा, जब सॉफ्ट निकालते हैं, करारा निकालते तो उसी टाइम खाना पड़ता। जी जी जी, तो मतलब ज्यादा देर बाद नहीं खाया जाएगा। अगर सॉफ्ट निकले तो चाहे 2 घंटे बाद खा लो, और अगर करारा निकले तो फटाफट से खा लो। अब दिखाइए उस्ताद जी कैसे बनाते हैं आप। अब ये गया सीधा कढ़ाई के अंदर, और पेड़ा करके दिखा दो भैया एक। ये देखो पूरी फैमिली जो है वो भटूरे खुद ही फ्राई करते हैं, और ये देखो ये पेड़ा बनाया, और इसके अंदर ये रखा पनीर। वाह जी वाह, पनीर रख के और इसको ये एकदम से घुमा दिया है गोल, और ये वाह क्या बात है, ये बातचीत।
और अभी आपको फ्राई करवा के दिखाते हैं। देखो पेड़ा तो उस्ताद जी उठाते हैं उसको अच्छे से कवाली करके और फिर ये डालते हैं सीधा फ्रायर के अंदर। भाई साहब एकदम जबरदस्त बातचीत है। भाजी कितनी पुरानी दुकान है? 13 साल। 14 चल रहा है। क्या बात है, ये 14th साल चल रहा है और 13 साल से भाई साहब यहाँ पे एकदम धमाके कर रहे हैं, लाजवाब किस्म के और बहुत ही कमाल के भटूरे होते हैं यहाँ पे। लुधियाना वालों को पता है, अगर आप लुधियाना से हो और आपने नहीं खाए कभी तो फिर तो भाई साहब मेरी 100% रिकमेंडेशन है, आप यहाँ पे आके ट्राई करो। और पाजी यहाँ पे क्या लोकेशन है? मॉडल टाउन एक्सटेंशन बूथ नंबर 60 बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा साहिब के एकदम पास में। बाबा दीप सिंह जी का आशीर्वाद है इन पे कि भाई साहब इतनी भीड़ लगती है, भीड़ नहीं रादर भीड़े लगती हैं और कमाल के भटूरे बनते हैं यहाँ पे। तो पाजी वो प्लेट कंप्लीट करते हैं और ये देखो भाई कढ़ाई के पास जाने में डर लग रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम बनाएंगे और खिलाएंगे और खाएंगे। ये भटूरा सुए से उठा के ये गया प्लेट के अंदर। वाह, और पाजी ये प्लेट तैयार है? वाह जी वाह, क्या बात है। तो भाई साहब ये प्लेट तैयार और अभी हम ये ट्राई करते हैं। तो भाई साहब ये आज का हमारा स्वाद बटांदरा। सबसे पहले तो ना इनके यहाँ के छोले सबसे ज़्यादा कमाल के होते हैं, एकदम बढ़िया बातचीत है छोलों की। इसके साथ ये प्याज और अचार और ये आलू और भाई भटूरा। मुझे याद है भटूरे को फाड़ने के लिए ये ऐसे इसको फाड़ो और फिर अंदर देखो कि क्या इसकी बातचीत है। वाह भाई साहब एकदम नेक्स्ट लेवल की बातचीत और चीत बात। और ये दिख कम रहा है पर अंदर से ये दिख रहा है कि अजवाइन भी है और धनिया भी है और पनीर भी है। तो यहाँ से एक बाइट जो है वो बनाते हैं, डिप करते हैं इन छोलों में। ये ओ भाई साहब, हियर इज अ बाइट ऑफ द स्पेशल श्री गणपति छोले भटूरे। हियर गोज। नेक्स्ट लेवल भाई साहब, इतने कमाल है ना ये, इतने नेक्स्ट लेवल के मज़ेदार है। यहाँ के जो छोले हैं ना उसमें एक बड़ा प्यारी सी मिठास होती है और मसाला होता है और खटास होती है। बहुत कमाल के छोले हैं और भटूरे तो है ही कमाल। तो आप जब भी कभी लुधियाना में आते हो या लुधियाना से हो तो यहाँ के भटूरे जरूर ट्राई करना, बोलोगे हरिया भाई तो कमाल है। भाजी मेरे परिवार वालों के लिए कुछ स्पेशल ऑफर है? सर परिवार वाले लिए ऑफर ये है जी, जेड़ा ताड़ी कोई वीडियो शेयर करके आऊंगा लाइक करके आंदा उनको उसी प्लेट ना एक लस्सी फ्री दूंगा। क्या बात है। तो भाई साहब अगर आप वीडियो को लाइक करते हो शेयर करते हो तो यहाँ पे आओ और यहाँ पे बोलो कि हरिया की वीडियो शेयर करके आए हैं तो फिर लस्सी फ्री। लस्सी फ्री सर। क्या बात है भाजी, थैंक यू सो मच भाजी। ये तो वो हो गया डिस्काउंट कोड, थैंक यू भाजी। भाई कह रहे हैं कि हमारी भी वीडियो बनाओ, तो भैया सारे आ जाओ एक बार। तो भाई आपका नाम क्या है? गोलू नाम है सर। गोलू, तो गोलू भैया ने बोला कि हरिया भैया सबकी एक बार वीडियो तो बनाओ, सब इकट्ठे होके आ जाए। तो ये है जी गणपति जी का पूरा स्टाफ और मैंने आपको जो बोला है वो करने के लिए, वो आप बोलो अब क्या बोलना है, दोबारा बोलना। सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्या बोलना है? हरिया भैया को चैनल को सब्सक्राइब करो। दोबारा बोलो। हरिया भैया को चैनल का सब्सक्राइब करो। हरिया भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो। आप भी बोल दीजिए सर। हो गया कह दिया डिट्टो। आप भी बोल दो सर। हरिया भैया को चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद भैया। भाई आपने भी ऐसे ही बोला, आप हंस रहे हो। और भाई साहब इतना जबरदस्त नाश्ता करने के बाद लंच भी तो खाना जरूरी है, तो लंच करने हम फिलहाल आए हैं मॉडल टाउन के सबसे ज्यादा फेमस ढाबे पे, जहाँ पे आपको एकदम घर जैसी बढ़िया एक नंबर की सब्जियाँ मिल जाएंगी और साथ में इतने टाइप्स की ब्रेड्स हैं और यहाँ पे ना एक जंगली रोटी मिलती है, आपको वो भी दिखा दे। आज भाई साहब आज हमारे साथ मोती ढाबे के कर्ता धर्ता जी खुद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया। ये ढाबा आप ही ने खोला था? कितना पुराना है? 46 साल। तो आप ही ने चालू किया था 46 साल पहले। और आप कहाँ से हैं? लखनऊ से। लखनऊ से, अरे वाह, तो लखनऊ की तहजीब और स्वाद जो है वो लुधियाना लेके आए हैं और यहाँ पे भाई साहब 46 साल से पंजाब की लुधियाना की सेवा कर रहे हैं। तो दिखाइए सर यहाँ पे क्या क्या है, आज क्या क्या है? तो कड़ी है सर। आज है जी कड़ी। सबसे पहले भाई ये सबसे जोरदार कड़ी होती है, साथ में एकदम कमाल के पकौड़े। ये देखो भाई एकदम जोरदार कड़ी है और इसमें पकौड़े पालक के प्याज के हैं जी? आलू प्याज।
आलू प्याज के पकौड़े हैं, बहुत जबरदस्त। और नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट न्यूट्री है। अच्छा, न्यूट्री की सब्जी आज? हाँ। अरे वाह, क्या बात है। ये देखो इधर, ये है जी न्यूट्री की सब्जी। बढ़िया है, बढ़िया वही बढ़िया। थोड़ा ऊपर निकाल के दिखाओ सर, ये नीचे रह रहा है। हाँ ये देखो, एक और दिखाइए सर। ये भाई साहब न्यूट्री की बड़ी है, साथ में आलू है एकदम कमाल के। और सर आगे क्या है जी? आगे दाल है। दाल भी दिखा दो फिर। ये देखो जी, ये है इधर दाल जो लग रही है कमाल। और भाई मुंह में फुल ऑन पानी आ जाएगा आपको देख के। ये देखो, वाह वाह वाह, क्या बात है, राजमा और माँ की दाल है। और सर ये कितने घंटे पकाई होती है जी? कितने घंटे पकाते हैं इसको? इसको 4 घंटे। हाँ जी, 4 घंटे। 4 घंटे उबलती रहती है दाल। अच्छा, उबलती रहती है, अभी भी उबल रही है? नहीं, अब उबल रही है। अब नहीं उबल रही है। और ये बनाते तंदूर में, किस में बनाते हैं? तंदूर पे बनाते हैं। बहुत बढ़िया, तो भाई साहब तंदूर पे बनाते हैं। बाकी सब्जियां किधर हैं सर? अंदर है। अंदर से दिखाइए सर, जब तक सब्जियां आती हैं आपको दिखाते हैं। ब्रेड्स, ब्रेड्स में क्या क्या चीजें? वेज में ब्रेड, ब्रेड रोटी में क्या क्या है? ब्रेड में नहीं, परोठे होते हैं। सिर्फ परोठे हैं? और नान भी है? नान भी होता है जी। और लच्छा पराठा भी होता है? लच्छा पराठा भी होता है जी। जंगली परोठा भी होता है। मिस्सी रोटी भी होती है? मिस्सी रोटी भी है। अच्छा, मतलब है, मतलब ब्रेड में आइटम्स हैं 3-4। ठीक है, इधर देखो उस्ताद जी ने बहुत बड़ा सा तंदूर जो है वो संभाल रहे हैं। कितनी रोटियां लग जाती हैं एक बार में? 20 रोटियां एक ही बार में। तो भाई साहब अगर आपको अपने पूरी बारात को लेके आना है यहाँ पे, पलटन को लेके आना है, और 20 लोगों को एक ही बार में खाना खिलाना है, यहाँ पे आप खिला सकते हैं आराम से। ये कौन सी वाली बाहर आ रही है अभी? मिक्स परौठा। एक जंगली परौठा भी होता है ना? जंगली, जंगल से लाते हैं? पाकिस्तान से। पाकिस्तान में सिर्फ जंगल है। तो वहाँ मतलब ये पराठा कैसे बना, जंगली पराठा? ये कैसे नाम आया जंगली पराठा? ग्राहक की चॉइस है, क्या बात है। तो यहाँ पे आपको जंगली पराठा भी मिल जाएगा। और अभी कोई मिक्स पराठा जो है वो बाहर आने वाला है, तो उसकी वेट में हम जो है वो एक दूसरे के साथ मतलब वो कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। ये देखो, ये सब्जी आ गई। अच्छा, मिक्स पराठा भी आ गया, वाह। ये देखो भाई, मिक्स पराठा भी आ गया। इस पे सर इश्क मोहब्बत लगाएंगे? मक्खन टिक्की। वही मक्खन टिक्की लगाएंगे? लगाइए सर। तो ये लखनऊ वाली तहजीब से चलते हैं, और भाई साहब मक्खन की टिक्की जो है वो इस पे लगाई जाती है, ना कि चिपकाई जाती है। तो एक बार दिखाइए सर, कौन सी सब्जी है ये? कढ़ाई पनीर। अच्छा, कढ़ाई पनीर। ओ भाई, आज तो यही खाया जाएगा। सर असली चीजें तो अब खोल रहे हो आप, ये तो छिपा के रख दिया था आपने। अच्छा, और भी कुछ है? और कुछ नहीं है, बस 4 सब्जियां। ये है जी मक्खन ऊपर से, और ये मिक्स पराठे के ऊपर मक्खन अच्छे से ये लगा दिया। भैया आप प्याज काटते हैं? हां जी, हां जी। मुझे बताओ कैसे पता चला? अब ये पैन है। हाँ, पट्टी देख के। ये देखो भाई, भैया जो है वो प्याज काटते हैं और अचार लगाते हैं पराठे के साथ। और यहाँ पे क्या रेट क्या है सर सबका, एक एक करके बता दो। दाल तो 70 रुपए प्लेट है। दाल 70 रुपए प्लेट। अच्छा, न्यूट्री भी 70 रुपए। ठीक है, और हाफ भी मिल जाती है। न्यूट्री हाफ भी मिल जाती है? सब हाफ मिल जाती है। सब हाफ मिल जाती है। अच्छा, कढ़ी भी 70 रुपए प्लेट। कढ़ी भी 70 रुपए प्लेट। और महंगे में पनीर है? पनीर वो कितने का है? 180 रुपए। 180 की प्लेट, और वो भी हाफ मिल जाता है? वो भी हाफ। बढ़िया सर, तो ऐसा करो एक प्लेट लगा के दिखाओ, और उसमें दिखाओ सारी सब्जियां, और साथ में हम जंगली पराठा भी खाएंगे। आपने हनुमान जी के रंग में अपने पूरे ढाबे को रंगा हुआ है ना? ये हमेशा से ऐसे ही। ये ऐसे ही है? तो ये हनुमान जी को आपने मतलब उनके लिए है? ऊपर सब कुदरती है। जी जी जी, ये देखो पूरा ढाबा जो है ये हनुमान जी का जो रंग है उसमें रंगा है, हनुमान जी को डेडिकेट किया है। आप पहलवान भी हैं? नहीं, मैं पहलवान। अरे वाह, जय श्री राम बोल के हम जो है एक एक करके कटोरियां लगवाते हैं। और यहाँ देखो भाई साहब, सबसे पहले तो हाफ हाफ लगा दो। हाँ जी, हाफ हाफ ही लगाइए सर। तो ये देखो मोती ढाबा की स्पेशल सब्जियाँ, सबसे पहले कढ़ी आई, और ये आया जी आपका सोयाबीन। वाह, ये इधर आ गई दाल, वाह क्या बात है। और सर मेन तो मेरी नज़र ना उस पे है, समझ गए ना आप? आपकी भी उसी पे है ना सर? आज आप भी वही खाएंगे ना? बहुत कमाल लग रहा है, खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। ये देखो, वाह भाई, ये पनीर नहीं है, ये कमाल है, जबरदस्त। और सर वो लग गया जंगली लगाना है तो लगाइए सर जंगली, बताइए कैसे होता है। ये देखिए उस्ताद जी ने स्पेशल जो है वो वेट की है कि जंगली पराठा सामने से लगाएंगे। क्या क्या है सर? ये बेसन है,
बेसन में लगता है जंगली पराठा। वाह, तो जंगली पराठा बेसन में लगता है भाई साहब। और ये मसा ये क्या है? अजवाइन है। वाह, और इधर से भाई ये प्याज है। ये आ गया जी प्याज, ऊपर से चिपका दिया। और क्या आएगा सर? बस हो गया जंगली, यही है जंगली। अरे वाह, तो इसमें जंगल का क्या है? है जी, यही तो जंगली है। अरे वाह भैया, हमें मालूम ही नहीं था। हम जरा ये क्या गए, आपने जंगली पराठे भी बना दिए, न्यूट्री राइस। वाह भाई, ये भी चेक करा दो जरा, ये भी अप्रूवल ले लेते हैं अपने परिवार से। ये कितने के हैं सर? ये 45 रुपए। आप 45? 45, क्या बात है। तो भाई साहब 45 का हाफ है। और यहाँ पे आप रंग देखो, हनुमान जी के रंग में रंगा हुआ है ढाबा। और ये देखो, अभी आपको दिखाते हैं जंगली पराठा कैसे निकलता है। और मोती जी, यहाँ पे क्या लोकेशन है, जगह क्या है? मॉल टाउन। मॉल टाउन में कहाँ? चिल्ड्रन पार्क के सामने। और शुरू से यही है? यही। वाह वाह वाह। और मोती जी आप ही का नाम है, पूरा नाम क्या है सर? मोतीलाल। अरे वाह, तो मोतीलाल जी का मोती ढाबा। और यहाँ पे आपको अब शायद निकलने वाला है जंगली पराठा, है ना सर? भाई साहब, उस्ताद जी ने इशारा कर दिया। ओ क्या बात, ये जल गया थोड़ा भैया। ऐसे ही रहता है? अच्छा, अभी काटना है। मेरे मम्मा भी ऐसे ही बोलते, जब घर में जल जाती है ना रोटी, तो वो यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, जल गया नहीं है, ये थोड़ा काटना है। ये तो जल गया भैया, देखो चीटिंग मत करना, है ना? सच सच बताओ भैया, है ना, ये जला है ना? ये भैया मान गए। अच्छा देखो, ऐसा हम लोग कहते हैं कि हम हर एक चीज़ की तारीफ करते हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ पे जो चीज़, वैसे मैं खा लूँगा, मतलब क्योंकि हमें आदत हो गई, घर पे ऐसे ही खाते हैं। घर पे जब मम्मी कहती है ना, खा ले, नहीं तो जुत्ती पहनी, छत्र पहनी, फिर ये आदत पड़ जाती है। थर्ड एम्पायर का डिसीजन मान के उस्ताद जी ने ये एक और जंगली पराठा जो है वो लगाने की साजिश करी है। और ये पहले ड्राई आटा लेके, प्लेथन ला के, अजवैन ला के, सारा कुछ ये, और ऊपर से साथ में ये थोड़ा सा पानी लगाया, घी लगाया, ये घी लगाया। उस्ताद जी सोच रहे होंगे कि कैसा ब्लॉगर है, हर ब्लॉगर तो तारीफ करता है, इसने तो आज हमारा पराठा को जला हुआ बोल दिया, है ना भैया? सच है ना, थर्ड एम्पायर से डिसीजन हुआ है, नहीं तो हम तो आज फंस जाते। ये देखो प्याज आ गया, ये आ गया जी भर के प्याज। वाह, ये देखो भाई, ऊपर से भर के प्याज ये लगाया। और इस बार भाई साहब पूरी कोशिश और फिंगर्स क्रॉस्ड के पराठा जो है वो एकदम बढ़िया कंडीशन में निकलेगा। जंगली पराठा जंगल में नहीं खाएंगे इस बार। एक और इम्तिहान उस्ताद जी का, और इस बार देखते हैं कि कैसा निकलता है। ये साइड ऐसी होती है इसकी? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ये देखो थोड़ा ज़्यादा था, ये थोड़ा कम है, पर अभी भी अच्छा ये साइड है। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह, आप भी उस्ताद जी हैं भैया, है ना? भाई साहब इधर देखो, ये आपकी प्लेट तैयार है, इसमें एक तो दाल है, साथ में कढ़ी है, और मेरी नज़र इस पे है। ये पनीर है ना? पनीर किधर गया? ओह पनीर तो उधर, मैं नज़र इधर ही घुमा रहा हूँ। भैया इधर लाइए, ये है नज़र, इस पे नज़र है अपनी। तो भाई ये आज का हमारा स्वाद वटांदर, ये देखो आज क्या कॉम्बिनेशन बन के आया है। सबसे पहले तो इधर है ये न्यूट्री और आलू की सब्ज़ी है, ये बहुत कमाल की लगती है। और ये है जी कढ़ी। ओ वाह, कढ़ी भी एकदम लाजवाब लग रही है यार, क्या बात है, ज़बरदस्त। और इसके साथ ये इधर है जी दाल भी एकदम कमाल। और भाई ये है आपका जंगली पराठा, और इसके साथ ये पनीर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा लाजवाब लग रही है भाई, ये देखो। ओए हो, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ से ये लेंगे, ये जंगली पराठा देख लो पहले आप, ये यहाँ से बाइट, और ये पनीर पूरा पीस पकड़ेंगे ये। आहा हा, गरम गरम है एकदम, थोड़ा जूम करके दिखाऊँ, मज़ा आएगा। ये ASMR, ये भाई पनीर। ओ वाह भाई साहब, हियर ऐसा लग रहा है जैसे लुधियाना शहर के बीचों बीच आप नेचर के अंदर बैठे हो और आराम से पंजाबी खाना बढ़िया वाला एंजॉय कर रहे हो। तो भाई हियर इज अ बाइट,
भाई साहब एकदम कमाल की बातचीत है, और वाकई जो कढ़ाई पनीर है ना, ओके रिपोर्ट, नेक्स्ट लेवल, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप जब भी कभी लुधियाना आते हो, या अगर आप लुधियाना से हो और आप खाना चाहते हो ढाबे वाला देसी खाना, घरेलू खाना, ज़बरदस्त खाना, तो यहाँ पे ज़रूर आओ। आप बोलोगे हरिया भाई कमाल है यार।